नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा प्लस में। दोस्तों आपके लिए मैं डेली स्टॉक की वीडियो लेकर आता हूं, जहां मैं आपको दो स्टॉक देता हूं और अगले दिन हमें एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद होती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने आपको फ्राइडे के लिए दो स्टॉक बताया था, चलिए आज उनके परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं और देखते हैं उन्होंने कैसा मूव किया था। और इसके साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे बगल में आप बेल का आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो आपको समय से मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉस्ट पोस्ट करता रहता हूं, जो कि एजुकेशन पर्पस से होती है, तो उससे भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी फायदा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं आपको कल जो फ्राइडे को जो पहला स्टॉक बताया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक था वो था पीएनबी हाउसिंग का। देखिए पीएनबी हाउसिंग को मैंने आपको बाई बताया हुआ था 985 के ऊपर, तो देखिए हमारी बाई कॉल कहीं एक्टिवेट हुई नहीं, क्योंकि ये स्टॉक कहीं ऊपर गया ही नहीं, 985 का इसने कहीं पे हाई लगाया ही नहीं, तो हमारी बाई कॉल एक्टिवेट नहीं हो पाई। इस कॉल को मैंने आपको सेल बताया हुआ था 970 के नीचे, तो देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने ओपनिंग दी 972 पर, इस कैंडल का हाई रहा 978 का, हमारा जो इसमें हमारा जो सेल कॉल थी 970 के नीचे थी, इसी कैंडल में हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हो गई। और देखिए इस कैंडल लो लगाया 960 का, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 962 का था, तो इसी कैंडल हमारी फर्स्ट टारगेट भी डन हो गया। और ये देखिए इसका हाई भी 972 का है, जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 980 का था, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और इसी कैंडल हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो गया। बाद में हालांकि ये स्टॉक ऊपर गया, देखिए यहाँ पर इसने 980 को यहाँ पर भी टच नहीं किया था, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं भी डन हो गया था। बाद में स्टॉक और नीचे गया, यहाँ पर देखिए इसने लो लगाया था 952 का, हमारा इसमें सेकंड टारगेट भी डन हो गया था, तो ये स्टॉक काफी सक्सेसफुल था। चलिए देखते हैं मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक बताया था उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिली। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था गोदरेज सीपी का। देखिए गोदरेज सीपी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया होता तो मैंने आपको इसको बताया था कि अगर ये 705 रुपए के ऊपर निकले तो उसको हम बाई करेंगे, तो देखिए हमारी बाई कॉल कहीं एक्टिवेट हुई नहीं। मैंने आपको इसको सेल बताया हुआ था 695 के नीचे, 695 रुपए के नीचे, तो आप देख सकते हैं इस कैंडल में, आप देख रहे हैं इस कैंडल हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई। और देखिए इसने इसी कैंडल में लो लगाया 692 रुपए का, देखिए इसमें हमारा स्टॉप लॉस था 702 रुपए का, तो देखिए कहीं स्टॉप लॉस हमारा ऊपर ये हुआ हिट हुआ नहीं, 701 या 702 रुपए का था स्टॉक, कहीं 700 भी नहीं गया। तो देखिए उसके बाद में यहाँ पर इसने काफी बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली, यहाँ पर देखिए इसने लो लगाया 688 रुपए का, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे इसने लो लगाया 685 रुपए का, हमारा ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट भी डन हो गया, हालांकि ये स्टॉक 680 रुपए तक भी नीचे गया था। तो इस तरह से हमारे दोनों स्टॉक सक्सेसफुल रहे। अब चलिए देखते हैं आपके लिए जो मंडे के जो दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। उससे पहले ही मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने अपने स्टॉक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफर लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपको अपने पर्सनल स्टॉक के ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूं, आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, आप मुझसे कोई भी जानकारी ले पाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन होने के बाद आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं मैं आपके लिए जो पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों सारी वीडियो में एजुकेशन पर पर्पस से बनाता हूं, तो आप वीडियो को देखें सीखें समझें ताकि आप भिंड में अच्छे ट्रेडर बन सकें। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूं, मैं आपको सिर्फ अपना ओपिनियन बताता हूं। तो देखिए हमारा जो पहला स्टॉक मंडे के लिए वो है टेक महिंद्रा का। देखिए टेक महिंद्रा ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, देखिए इस ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है, देखिए कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन जब भी इसको ये टच करता है वहां से एक बाउंस बैक ले लेता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए उसने ऊपर से एक रेंज बना ली है और अब इस रेंज में काफी कोई जगह भी नहीं बची है, तो कल इसको मंडे को इसको किसी भी तरफ को ब्रेक करना ही होगा। तो जिस भी तरफ को ब्रेक करेगा उस तरफ में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं टेक महिंद्रा के कौन से लेवल निकलते हैं। दोस्तों टेक महिंद्रा को हम बाई करेंगे 811 के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 804 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 818 का, सेकंड टारगेट 824 का, अंतिम टारगेट होगा 830 का। अगर टेक महिंद्रा नीचे को निकलेगा दोस्तों सेल करेंगे 799 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 806 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 793 का, हमारा सेकंड टारगेट 786 का, अंतिम टारगेट होगा 780 का। तो दोस्तों यह था पहला स्टॉक, चलिए देखते हैं जो दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है। देखिए हमारा जो दोस्तों हाँ दूसरा स्टॉक है वो है टेक सिप्ला का। देखिए सिप्ला ने भी एक अच्छा ट्रायंगल बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ही पिछले दो दिनों से इसका इस ट्रेंड लाइन का एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। देखिए पहले इसने फ्लैग पैटर्न बनाया और फ्राइडे को देखिए यहाँ पर इसने थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से फिर ये स्टॉक फिर रिवर्स हो गया और ऊपर से इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ये ट्राइंगल बन गया। तो कल अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके किसी भी तरफ को निकलता है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बस आपको अपने लेवल का वेट करना है, आपको गलत लेवल पर एंट्री नहीं लेनी है। और अगर कोई भी स्टॉक जो हमारा दिया हुआ है अगर हमारे दिए प्राइस से भी सस्टेन करता है तभी आपको उसमें एंट्री लेनी होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, चाहे आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो या आप वॉच कर रहे हो उसको, तो आप इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों सिप्ला को बाय करेंगे 540 के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 535 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 544 का, सेकंड टारगेट 549 का, अंतिम टारगेट होगा 554 का। अगर सिप्ला नीचे को निकलेगा दोस्तों सेल करेंगे 530 के नीचे, स्टॉप लॉस हमारा 535 का ही होगा,
हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 5 to 6 का, हमारा सेकंड टारगेट 5 to 1 का, और अंतिम टारगेट होगा 5 to 6 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को आप लाइक कीजिए, नीचे आप कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे लाल कलर का बटन दिखेगा उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।